नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सबका डीडी फ्रीडिस में। दोस्तों आज दिनांक हो चुकी है 5 सितंबर 2024। डीडी फ्रीडिस के MPEG2 सेटअप बॉक्स में जो चांस ऐड होने वाले थे, जो कि 81वीं ई ऑक्शन के जरिए, वहां पर हमारे लिए क्या आज के दिन कोई बदलाव डीडी फ्रीडिस के प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल रहा है, अन्यथा नहीं। जी दोस्तों, आप सभी को मालूम होगा कि मैंने आपको अपडेट दिया डीडी फ्रीडिस के जो ई ऑक्शन MPEG2 सेटअप बॉक्स के लिए की जा रही थी 81वीं ई नीलामी के तौर पर। दोस्तों उसके जरिए हमारे लिए डीडी फ्रीडिस के प्लेटफॉर्म पर कौन कौन से चांस आज के दिन ऐड हो चुके हैं या नहीं हुए हैं, पूरी जानकारी बताएंगे। अगर ऐड भी हुए हैं तो कौन कौन से चांस है, सबसे पहले मैं आप सभी को एक एक टेस्ट लॉट को दिखाना चाहूंगा कि आप सभी देख पाएंगे कि कितने टेस्ट लॉट डीडी फ्रीडिस के MPEG2 सेटअप बॉक्स में उपलब्ध हैं। दोस्तों यहाँ पर पहले टेस्ट लॉट की बात करते हैं, टेस्ट 110 नाम से हमारे लिए यहाँ पर चांस देखने को मिलता था, तो फिलहाल दोस्तों यहाँ पर तो कलर बार शो हो रहा है। और चलिए यहाँ पर दूसरे चांस की बात करते हैं, टेस्ट 116 के नाम से यहाँ पर भी हमारे लिए कलर बार देखने को मिल रहा है। फिर उसके बाद से आगे बढ़ते हैं, अपना नया नेक्स्ट जो कि टेस्ट लॉट के जरिए देखने को मिलता है हमारे लिए, टेस्ट है 202। जी दोस्तों यहाँ पर भी हमारे लिए कलर बार शो हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अपने चौथे टेस्ट लॉट की ओर देखते हैं, तो यहाँ पर भी हमारे लिए कलर बार शो हो रहा है। और उसके बाद से यहाँ पर हमारा जो पांचवा चांस टेस्ट लॉट है, वहाँ पर भी हमारे लिए कलर बार शो हो रहा है, जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे। दोस्तों ऐसे में यहाँ पर साफ हो चुका है कि जैसा कि मैंने आपको बताया था, डीडी फ्रीडिस के MPEG2 सेटअप बॉक्स में जो ई ऑक्शन हो रही थी वो आप पूरी तरीके से एक बार फिर से फेल हो चुके हैं। तीसरी ऐसी नीलामी है जो कि डीडी फ्रीडिस के इतिहास में लगातार फेल होती हुई दिखाई दे रही है। जी हाँ दोस्तों, डीडी फ्रीडिस के प्लेटफॉर्म पर पहली बार ऐसा हुआ है कि MPEG2 सेटअप बॉक्स के लिए जो नीलामी हुई है, 3 ई ऑक्शन एक साथ यहाँ पर हमारे लिए एकदम रद्द होती हुई दिखाई दे रही है और रद्द हो चुकी हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पर डीडी फ्रीडिस को इस जो नाकामी से सीख लेनी जरूरी है। डीडी फ्रीडिस के प्लेटफॉर्म पर जितने भी स्लॉट्स हैं, इन सभी स्लॉट्स को वीड वैल्यू को जो है कम करना होगा। जी दोस्तों, कहीं ना कहीं अगर कम नहीं करेंगे तो डीडी फ्रीडिस के प्लेटफॉर्म पर आने वाले भविष्य में भी जो भी ई ऑक्शन रखी जाएगी वो भी फेल हो जाएगी। जी दोस्तों, ये एक बहुत ही बड़ी जो निराशाजनक वाली बात है डीडी फ्रीडिस की यूजर्स के लिए और साथ ही साथ प्रसार भारती के लिए भी, क्योंकि इसके पहले हमारे लिए शशि शेखर वेम्पटि जी ने जितनी भी ऑक्शन कराई थी वो सभी ऑक्शन सक्सेसफुली तौर पे जीती थी और सभी के लिए जो, जैसा कि COVID-19 में सभी चैनलों के लिए प्राइस भी कम कर दिया था और चैनलों का प्राइस भी कम हो गया था। और वैसे में आज यहां पर हमारे लिए जो एक जो ऑक्शन जो कि हो रही थी 81वीं ऑक्शन तौर पे, तो लगातार 3 ऑक्शन यहां पर रद्द हो चुके हैं। तो डीडी फ्रीडिस के विड वैल्यू को अब यहां से कम करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है डीडी फ्रीडिस के MPEG2 सेटअप बॉक्स में जो चांस आते हैं। तो दोस्तों यहीं पर अगर बात करते हैं MPEG4 सेटअप बॉक्स की ऑक्शन के लिए, दोस्तों आज के दिन हमारे MPEG4 सेटअप बॉक्स की भी ऑक्शन होने वाली है, जहां पर हमारे लिए चांस ऐड होने वाले हैं। फिलहाल अगर देखा जाए तो MPEG4 सेटअप बॉक्स में भी जो टेस्ट लॉट उपलब्ध है वो अभी टेस्ट लॉट यहां पर उपलब्ध है और टेस्ट यहां पर लगभग 3 से 4 टेस्ट लॉट अवेलेबल है। इन सभी चारों टेस्ट लॉटों पर ऑक्शन होगी, आज के दिन से ये भी ऑक्शन स्टार्ट हो चुके हैं। तो दोस्तों यहां पर देखना बहुत ज्यादा दिलचस्प है कि डीडी फ्रीडिस के MPEG2 के सेटअप बॉक्स जो ऑक्शन वो तो रद्द हो ही चुकी है और यहां पर देखते हैं MPEG4 ऑक्शन का क्या होता है। आपको क्या लगता है, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा, आपकी कमेंट बहुत ज्यादा इंतजार करती है और आप अपनी राय जरूर दीजिए डीडी फ्रीडिस के आने वाले भविष्य के लिए, क्योंकि आपकी राय बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। दोस्तों इस अपडेट से लेकर आप सभी कितना संतुष्ट हैं, कितनी जानकारी, कितनी आपको संतुष्टि मिली है, कमेंट में अपनी राय जरूर से दीजिएगा और लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा नए आए हैं तब। और हमारे YouTube चैनल पे ऐसे ही बने रहिए, जहां पर आप डीडी फ्रीडिस के अपडेट जो है रेगुलर मिलते रहेगी। नमस्कार।